Hello friends, this video on Noun Part 2 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. तो अब हमने देख लिया कि नाउन क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए. अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो है वो नाउन के दो मेजर टाइप्स हैं और अक्सर ही बच्चे ये दोनों टाइप्स में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं. तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर वर्ड का क्या मतलब होता है? प्रॉपर वर्ड का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो किसी एक पर्टिकुलर जन को बिलोंग करता है, जैसे कि वंस ओन, एक जन के खुद का. तो प्रॉपर मतलब कुछ भी चीज़ जो बहुत स्पेसिफिक हो. तो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, दैट इज़ प्रॉपर नाउन. जब किसी एक स्पेसिफिक इंसान के नाम की बात करते हैं या किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन. और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन तो वर्ड का मतलब ही है कॉमन, जो बहुत सारे, जो सबके लिए कॉमन हो. तो नेम कॉमन टू अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस, तो जो सबके लिए कॉमन हो वो कॉमन नाउन, और जो एक स्पेसिफिक इंसान का नाम हो या एक स्पेसिफिक जगह का नाम हो वो प्रॉपर नाउन. तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुंबई इज अ बिग सिटी. इस केस में मुंबई क्या है? एक शहर का नाम है, एक स्पेसिफिक शहर का नाम मुंबई है. तो मुंबई यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर नाउन. लेकिन यहीं पे अगर आप सिटी की बात करें तो सिटी मतलब शहर. अब शहर कोई सा भी शहर हो सकता है, मुंबई भी शहर है, पुणे भी शहर है, बैंगलोर भी शहर है, कोलकाता भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, तो सारे ही शहर हैं, राइट? तो शहर जो है, ये वर्ड जो है, ये किसी एक स्पेसिफिक शहर के नाम मतलब के लिए स्पेसिफिक नहीं है. शहर एक कॉमन वर्ड है जो किसी के भी लिए ट्रू है, जो दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता सबके लिए ट्रू है, राइट? तो सिटी यहाँ पे हो गया कॉमन नाउन. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से आपको काफी आइडिया लगा होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन मतलब बहुत स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम, दैट इज प्रॉपर नाउन. एक एग्जाम्पल और लेते हैं, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. ये बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम्पल में मिस्टेक करेंगे. तो यहाँ पे हम सबसे पहले एनिमल की बात करते हैं, ठीक है? डॉग की बात बाद में करेंगे. तो एनिमल कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? तो अब आप कहेंगे कि सही बात है, एनिमल तो इन जनरल सभी एनिमल्स के लिए है, उसमें डॉग, कैट, रैबिट सब कुछ ही आ जाएगा. तो एनिमल हमारा डेफिनेटली कॉमन नाउन है और आप सही भी बोल रहे हैं. लेकिन डॉग क्या है? अब कुछ लोग कहेंगे कि जिस तरह से मुंबई प्रॉपर नाउन था और सिटी कॉमन नाउन था, उसी तरह से डॉग भी प्रॉपर नाउन होना चाहिए. लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब हम डॉग की बात करते हैं तो डॉग भी जो है एक क्लास ऑफ एनिमल्स को आइडेंटिफाई करता है. डॉग बोला तो जितने भी डॉग्स हैं वो सब उसके अंदर आ गए, राइट? लेकिन डॉग्स के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, राइट? डॉग के अंदर भी अलग अलग डॉग्स के अलग अलग नाम होते हैं, करेक्ट? तो डॉग जो वर्ड है, दैट इज कॉमन फॉर ऑल द डॉग्स, दैट इज कॉमन फॉर ऑल द वेराइटीज ऑफ डॉग्स दैट वी हैव, राइट? तो इसी वजह से डॉग जो है, द वर्ड डॉग इन इटसेल्फ इज अ कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन नहीं है. लेकिन यही अगर हम कुछ ऐसा सेंटेंस लिखें, ही नेम्ड हिज डॉग जोजो, तो इस केस में जो जोजो है, दिस इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि जोजो इस पर्टिकुलर डॉग का नाम है, राइट? तो आप समझ रहे हैं दोनों का फर्क, राइट? जो प्रॉपर नाउन होगा वो किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम होना चाहिए, तब वो प्रॉपर नाउन है. अदरवाइज बाकी सब कुछ कॉमन नाउन है, एक तरह से वैसा ही है मीनिंग इसका. तो डॉग, कैट, हॉर्स, ये सभी कॉमन नाउन है. लेकिन जहां हम एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डॉग के नाम की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. एक एग्जांपल और देखते हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यहां पे इंडिया क्या है और कंट्री क्या है? कंट्री तो ऑब्वियसली एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है, कंट्री बहुत सारे हैं, इंडिया एक कंट्री है, बांग्लादेश एक कंट्री है, चाइना एक कंट्री है, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, राइट? तो कंट्री इज अ कॉमन एंटिटी, सो कंट्री यहाँ पे कॉमन नाउन है. लेकिन इंडिया जो है ये एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, इसीलिए इंडिया यहाँ पे प्रॉपर नाउन है. तो अब जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स देखे तो थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है. तो अब हम प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स देखेंगे, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आती है. नेम्स ऑफ पर्सन्स, जैसे जैक, रोहन, अदिति, रितु, कंचन, जोसेफ, ये सारे नाम जो है, लोगों के नाम हमेशा प्रॉपर नाउन में आएगा. नेम्स ऑफ प्लेसेस, जैसे
शहरों के नाम आगरा, दिल्ली, कंट्री के नाम इंडिया, या फिर जैसे कोई रेस्टोरेंट का नाम है होटल ब्लैक रॉक, कोई बीच का नाम है गोल्डन बीच, कोई रिजॉर्ट का नाम है गोल्डन बीच रिजॉर्ट, कोई पर्टिकुलर गार्डन का नाम है लालबाग बोटैनिकल गार्डन, या फिर कोई मॉल का नाम है सिटी सेंटर। तो कोई स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक जगह का नाम जब भी हम लेंगे तो वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा। नेम्स ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पे फिर से गौर करें कि नेम्स ऑफ एनिमल्स का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर एनिमल का नाम, ऐसा नहीं कि डॉग्स कैट्स ये सारे प्रॉपर नाउन में आ गए। वो सारे कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं, क्योंकि कैट के अंदर बहुत से कैट्स हैं, राइट। तो कैट इज अ कॉमन नाउन, डॉग इज अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डॉग की बात करें जिसका नाम जैक है, तो जैक प्रॉपर नाउन हो गया, जॉनी है उसका नाम, तो जॉनी प्रॉपर नाउन हो गया। तो कोई एक पर्टिकुलर एनिमल का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। नेम्स ऑफ स्पेशल थिंग्स, इसके बावजूद कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी स्पेशल हैं, इसीलिए उनको हम प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द मून, ये सब भी कई बार प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ होता है। नाउ अब हम जब ये दोनों चीज़ की बात करते हैं, तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि द सन या द मून जो है वो प्रॉपर नाउन ही हो। अब जैसे अगर हम सन का एग्जाम्पल लें, तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि सन हमेशा ही प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ होता है। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है कि सन प्रॉपर नाउन के जैसा यूज़ होगा या कॉमन नाउन के जैसा। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, द सन शाइन्स ब्राइट, तो इस एग्जाम्पल में हम जिस सन की बात कर रहे हैं वो हम पर्टिकुलर सूरज की ही बात कर रहे हैं, राइट। वो हम इन जनरल किसी भी स्टार की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में द सन जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। उसी तरह अगर हम मून की बात करें, तो अगर हम एक सेंटेंस ऐसा लिखें कि द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो इस केस में हम एक लौते सैटेलाइट अर्थ की जो है वो जो मून है, हम उस मून की बात कर रहे हैं। तो इस केस में भी मून जो है वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन यही अगर हम एक सेंटेंस लिखें कि जुपिटर हैज़ मेनी मून्स, उस केस में जो मून है दैट इज़ अ कॉमन नाउन। तो जुपिटर के पास कुछ 12 मून्स हैं, तो उसमें से मून कोई, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ मून विच इज़ अ कॉमन नाउन, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस हम ये डिसाइड करते हैं कि जो मून वर्ड है वो प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है या कॉमन नाउन की तरह, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रॉपर नाउन्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूज होते क्यों हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हैं तो प्रॉपर नाउन्स, लेकिन उनको कई बार इस तरह से यूज़ किया जाता है सेंटेंस में कि वो कॉमन नाउन हो। जैसे ये एग्जांपल देखें, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि शेक्सपियर जो है ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन, तो शेक्सपियर एक इंसान का नाम है तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो शेक्सपियर वर्ड को इस तरह से यूज़ किया गया है जैसे कि कोई भी इंसान जो बहुत अच्छा लिखता हो उसके लिए उस वर्ड को यूज़ किया गया है, राइट। जैसे कि कालिदास जो बहुत अच्छा लिखते थे उनको इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इंडिया का शेक्सपियर, यहाँ पे शेक्सपियर जो है वो उस पर्टिकुलर इंसान शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बताया जा रहा है चूँकि जो भी कोई अच्छा लिखता है उसको शेक्सपियर कहा जाता है, राइट। तो शेक्सपियर को यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है। कभी कभी वाइस वर्सा भी होता है, जैसे कि कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं विच आर यूज एज प्रॉपर नाउन्स इफ़ दे रिप्रेजेंट नेम्स ऑफ पर्सन एंड प्लेसेस। जैसे कि ही नेम्ड हिज चाइल्ड गोल्ड। अब जो गोल्ड है ये एक मेटल है, राइट। तो गोल्ड एज सच इज अ कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है, राइट। लेकिन जब इस बंदे ने अपने बच्चे का नाम ही गोल्ड रख दिया, तो गोल्ड हियर इन दिस केस इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, तो यहाँ पे गोल्ड जो है प्रॉपर नाउन है। उसी तरह जैसे सिटी वर्ड है, शहर, सिटी इज अ कॉमन नाउन, बट अगर कोई इंसान अपने बच्चे का नाम सिटी रख दे तो क्या हो जाएगा, सिटी विल बिकम अ प्रॉपर नाउन, राइट। तो उसी तरह से कोई भी चीज़ जो कॉमन नाउन है बट अगर उसको किसी चीज़ का नाम रख दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, राइट। तो इसी वजह से कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो
जब जब आपको ये डिसाइड करना हो कि एक सेंटेंस में से आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है और ये भी बताना है वो किस टाइप का नाउन है, तो सिर्फ उस वर्ड को देख के डिसाइड मत करें, वो वर्ड को भी देखें और उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग भी देखें, क्योंकि सेंटेंस के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी डिसाइड होता है कि जो नाउन है वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जब कभी भी चाहे प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीचों बीच क्यों ना हो, बट प्रॉपर नाउन हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही बिगिन होता है। जैसे सुनील एंड ईश्वर आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सुनील और ईश्वर ये दोनों ही जो है इंसान के नाम हैं, तो दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं, और अगर आप गौर करें तो दोनों ही जो है कैपिटल एस और कैपिटल ई से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह ऑफ ऑल द प्लेसेस आई हैव लिव्ड इंदौर इज द क्लीनेस्ट, तो यहाँ पे इंदौर एक शहर का नाम है और इंदौर प्रॉपर नाउन है इसीलिए कैपिटल आई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो था हमारा प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स। अब जब हम कॉमन नाउन्स की बात करें, कॉमन नाउन्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे उसमें पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, आइडियाज सब कुछ आ जाता है। तो कॉमन थैंक यू प्लीज विजिट examfear.com फॉर फ्री क्वालिटी एजुकेशन। यू कैन लर्न विद अ सिंपल 4-step लर्निंग प्रोसेस वेर इन यू कैन वॉच वीडियो लेसन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन रेफर नोट्स एंड यू कैन टेक अ फ्री ऑनलाइन टेस्ट। वी हैव कॉन्टेंट फॉर क्लास 6 to 12 ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल वीडियोज। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।